हाय फ्रेंड्स, याद होगा 2 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली मैंने अपने निपॉन एंड्रॉयड का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको इसके बारे में काफ़ी मैंने बताया था कि ये 9 प्रो मॉडल है। उस टाइम ये लेटेस्ट अवेलेबल था और 2 GB रैम के साथ ये मॉडल अवेलेबल था। और 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, जो इतना भी टाइम हो गया, चलिए थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग अपलोड करते हैं लेकिन उसका रिव्यू 2 साल बाद बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपको एंड्रॉयड के कुछ फ़ायदे नुकसान बताता हूँ। तो चलने में अभी ये ठीक है, जैसे ही मैंने शेल्फ ऑन करा वही अपना ये अप्रॉक्सीमेटली 21 सेकेंड लेता है ऑन होने में। और इसमें जो अभी तक, अगर जो मैं अच्छाई की बात करूँ तो चलने में ठीक है, चलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके वॉल्यूम बटन अच्छे से काम करते हैं, सब काम, फंक्शनैलिटी में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट अपना चल जाता है। जैसे मैं रेडियो की भी बात करूं, रेडियो का बटन दबाते ही रेडियो इसमें जो प्री सेट है ऑन हो जाते हैं। स्पीकर्स की आवाज अभी भी काफी अच्छी है और स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, मतलब साउंड क्वालिटी ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम इसका ठीक है, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक मुझे आई। और बाकी जो हम बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी है, एंड्रॉयड जो है बाज़ार में सस्ते हैं और जो सोनी पायोनियर टाइप के जो जिसमें सेल्फ उनका सिस्टम होता है, प्रोसेसर होता है, वो महंगे आते हैं। अब जो इसमें हम बात करेंगे, जो मुझे लगा कि एंड्रॉयड क्यों नहीं लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर जो आपको नेविगेशन यानी कि गूगल मैप का काफ़ी आपको यूज़ है तो फिर एंड्रॉयड बेस्ड लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक तो इसमें मैप काफ़ी लैग करता है, हालांकि ये 2 GB का है, या 4 GB के भी आ गए, 6 GB के भी आते रहेंगे, चलता रहेगा, बट स्टिल अगर जो आप देखें, देखो मैंने नेविगेशन ऑन करा और अभी ये अपना सोच ही रहे हैं भाई साहब कि क्या करूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर जो आपको डेली में या जब भी है मैप्स अगर जो आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं, तो एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। जैसे 2 GB इसका रोम है, आप समझ ही सकते हो, हम अपना फ़ोन मिनिमम 6 GB, 8 GB, 16 GB का लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं जिससे हैंग ना करे। और ये 2 GB या 4 GB का है तो एक टाइम के बाद तो हैंग करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कुछ आपके पहले से ही एप्लीकेशंस डाउनलोड हैं, कुछ आप करते हो, और समय के साथ, क्योंकि एंड्रॉयड में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अपडेट बहुत मांगता है, तो सारे टाइम वो अपडेट में, मतलब मुझे तो बड़ी कोफ्त होती है। तो उस वजह से अगर जो आपका मैप का ज़्यादा यूज़ है तो आप एंड्रॉयड बिल्कुल ना लें, ये मैं आपको सच्ची सलाह दूंगा। और आपने देखा भी होगा ओला उबर के जो ड्राइवर हैं या बहुत से लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड लगा हुआ भी है, वो फाइनली जो है आपने देखा होगा फ़ोन को ही यूज़ करते हैं, फ़ोन का स्टैंड रख के नेविगेशन के लिए फ़ोन को यूज़ करते हैं। अरे भैया, तो फिर फ़ायदा क्या है, आपने खाली रेडियो सुनने के लिए लिया है, गाना सुनने के लिए लिया है, तो स्क्रीन वाला लेने की ज़रूरत क्या है, सिंपल वाला ले लो ना। और बस इसमें यह है सस्ता होता है, सोनी पायोनियर वगैरह के तो इससे कम से कम 2 गुना तो महंगे आते हैं, 3 गुना तक भी महंगे आते हैं। मैंने अपना सोनी का वीडियो नया डाला भी है, आपने नहीं देखा तो सोनी वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए मैं नेविगेशन आपके सामने तीसरी बार मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अपना आराम से सोच ही रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें नेविगेशन के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है। और अगर जो, क्योंकि कई बार मैंने देखा इसमें जो लैग करता है तो आपका कोई मोड़ छूट गया, कोई यू टर्न छूट गया, तो आपको बड़ा महंगा पड़ता है। और अगर जो आपको खाली सॉन्ग सुनने हैं, इस तरह की ऐप्स का ही आपको शौक है कि नहीं भाई मुझे तो यूट्यूब ही देखना है, मुझे तो ऐप सुनना है, नेविगेशन का मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो आपके लिए ठीक है। और जैसे मैंने बताया, वही सबसे अच्छी बात है कि ये सस्ते आ जाते हैं, मतलब 5-6 हज़ार से लगभग शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी ब्रांडेड लेंगे, आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं, नाकामिची के भी आ रहे हैं, निपॉन ने भी अपग्रेड किया है, और बहुत सारे तमाम हैं, चाइनीज़ ब्रांड हैं, लोकल ब्रांड हैं, उसमें अच्छे आ रहे हैं। तो अगर जो आपको खाली इसी का आपको शौक़ है तो आप इसको बेधड़क ले सकते हैं, गाने वाने सुनने का, यूट्यूब देखने का, या इस तरह से आपको। और अगर जो आपको नेविगेशन के लिए भी चाहिए तो अगेन मैं कहूँगा नेविगेशन के लिए फिर आप सोनी पायोनियर टाइप का ही कोई ही लें, और इसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप मेरा सोनी का वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने सोनी का XAV AX5500 अभी अपनी दूसरी कार में इंस्टॉल कराया है, और उसको केबल के थ्रू पहले जुड़ा हुआ था, और उसको बाद में मैंने केबल के बजाय मैंने उसको क्या करा,
वायरलेस बना दिया। आपने देखा भी होगा, एक मैंने डोंगल उसमें फिट किया जिससे वो वायर्ड का वायरलेस हो गया। तो इस तरह का आप ले सकते हैं, तो उसमें नेविगेशन की सहूलियत आपकी ज़बरदस्त होगी, कोई लैग नहीं करेगा क्योंकि वो फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, उसका अपना कोई ऐप नहीं है नेविगेशन का, इसलिए वो फटाफट चलेगा। और ये लोग जो हैं अपनी ऐप के थ्रू चलाते हैं, पहले हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा, फिर अपनी ऐप चलाएगा, फिर 2GB या 4GB का है प्रोसेसर, उसका रोम तो धीरे धीरे काम करेगा। तो बॉटम लाइन ये है, अगर जो आपको गाना सुनना है, जस्ट वीडियो वगैरह देखना है, कैजुअल ब्राउजिंग के लिए आपको चाहिए, बजट कम है, तो आप एंड्रॉयड पे जा सकते हैं बहुत आराम से, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो आपको नेविगेशन का यूज़ ज़्यादा है, गूगल मैप को आपको ज़्यादा यूज़ करना है, और थोड़ा सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड का ब्रांडेड चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए चाहिए, और साउंड क्वालिटी बेटर चाहिए, तो फिर आपको सोनी पायोनियर या नॉन एंड्रॉयड बेस्ड जो म्यूजिक सिस्टम है, JVC का भी आता है, कैनवुड का भी आता है, वो आप आराम से उनको जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो इस तरह के मैं डालता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।